इंसान अपना इतिहास खुद लिखता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है जैसा कि वो चाहता है। बेसिकली ये जो पॉइंट्स है, ये कार्ल मार्क्स ने कहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जो कि लेबर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कार्ल मार्क्स ने दी है। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, How's it going? Welcome back to my channel Pages. My name is Sakshi, and today we are going to learn a very important chapter, Karl Marx Theory of Surplus Value. अगर आप देखोगे नेट एग्जामिनेशन के सिलेबाय में, सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि आपको दिया गया है, दैट इज कार्ल मार्क्स, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं क्लासिकल तौर पे। तो उसमें थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए देखते हैं कि वॉट एग्जैक्टली दिस मीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू से लिया गया है। एक थ्योरी है जो कि डेविड रिकार्डो ने बनाई थी, और इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली लेबर्स जो हैं उनके हित में दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जितने भी जो लेबर्स हैं उन्हें साथ में रहकर काम करना चाहिए, उनके हक का पैसा मिलना चाहिए, और इतना पैसा मिलना चाहिए कि हमारे समाज में यूनिटी आ जाए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई, देखो लेबर्स ही बेसिकली कार बनाते हैं, लेकिन क्या उनकी हैसियत रहती है कार बनाने की? नहीं ना। तो वही चीज उनको, उस जो चीज वो बना रहे हैं, वो चीज कम से कम वो खरीद सके, इसलिए थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बनाया गया है, जिसे थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बनाया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हु इज कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स बेसिकली एक बहुत ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं। उनकी अगर आपको थ्योरी चाहिए, देन डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स वो कौन कौन सी थ्योरीज आप मुझे लिख सकते हैं। प्लस अगर उनकी बायोग्राफी चाहिए तो भी मैं बना दूंगी, बस कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको चाहिए कि नहीं। प्लस हु इज डेविड रिकार्डो? डेविड रिकार्डो ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, ही वॉज वेरी फाइनेस्ट इन दैट। प्लस दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को, लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। सरप्लस वैल्यू में यही बताया जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इस चीज को बहुत पास से देखा है। उन्होंने कैपिटलिस्ट एरा को बहुत पास से देखा है कि किस तरीके से जो अमीर हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटर बन गए हैं, वो सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसको इतने अच्छे तरीके से कार्ल मार्क्स इसलिए देखते हैं क्योंकि वो समाज को बदलना चाहते थे। वो इसीलिए बदलना चाहते थे क्योंकि वो खुश नहीं थे समाज से, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब किस तरीके से जो अमीर हैं वो रैपिडली और बहुत ज्यादा, बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे अमीर बनते जा रहे हैं, और ये लोग जो लेबर क्लास है वो उसी चीज में टिके हुए हैं, बल्कि अपने उस कैटेगरी से भी और नीचे जाते जा रहे हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ मनी शुड बी वैल्यू ऑफ लेबर। मतलब कि जितना पैसा आपके पास, आप जो प्रॉफिट कमाते हो, वो प्रॉफिट नहीं आना चाहिए आपके पास, आपको पूरे पैसे लेबर को दे देना है। सपोज कि अगर आप उनसे काम करा रहे हो और उन्हें 5 घंटे के 100 रुपए दे रहे हो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका भी पैसा 100 रुपए ही होना चाहिए। सपोज कि आप बनवा रहे हो उनसे एक पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स बनवा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि उस पेंसिल बॉक्स को बनाने में सपोज उन्हें 5 घंटे लग रहे हैं एक दिन में, तो उस 5 घंटे का आप उन्हें 100 रुपए दे रहे हो, और बाकी आप कंपोज बॉक्स जो है, जो पेंसिल बॉक्स है, उसका पैसा आप रख रहे हो 300 रुपए। ठीक है, तो 300 माइनस अगर आप 100 कर देते हो तो आपकी तो प्रॉफिट जो हो रही है वो 200 रुपए की हो रही है ना। तो आप ये पैसा क्यों कमा रहे हो? मतलब कि 5 घंटे उनसे काम करा रहे हो, दे रहे हो 100 रुपए, तो ये चीज क्या है, है ना। तो इस तरीके से उनका कहना है कि उनको आप उतने ही पैसे दो, या फिर जो सामान है उसको आप उतने में बेचो ना, 100 रुपए में, ताकि वो उसको खरीदने की भी तो उनकी हैसियत रहे। तो ये है पहला चीज। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कि एक पर्सन है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और उस प्रोडक्ट के उसे 500 रुपए आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए दे रहे हो, मतलब जो बेसिक कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, वो चाहे कितना भी हो, लेकिन आप मार्केट में 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो और उनको सिर्फ 50 रुपए दे रहे हो। लेबर को आपने 50 रुपए एज अ सैलरी दिया, और 50 रुपए सपोज वियर एंड टेयर का कॉस्ट लग गया, कि जो भी मशीन का खर्चा हुआ, या फिर जो प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत लगेगा ना, प्लास्टिक वगैरह, जो भी कुछ भी चीज, वो सब का खर्चा हुआ, तो चलो 50 रुपए उसमें निकाल दिए। अब कितना बचा? 400 रुपए। तो 400 रुपए वो हो रही है प्रॉफिट।
आपकी प्रॉफिट हो रही है 400 रुपए, तो ये तो सरप्लस है, सरप्लस पैसा है ना, इसी को बोलते हैं सरप्लस पैसा, जो कि आपके पास है प्रॉफिट का पैसा, और आप तो लेबर को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो इस चीज में। उनका कहना है अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 500 रुपए है तो लेबर को भी आपको 500 रुपए ही देने चाहिए कि एटलीस्ट उसको खरीदने की उसकी हैसियत रहे, बस यही बात है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू की भी, कि ये दोनों चीज क्या होती है। तो सबसे पहले यूज वैल्यू, यूज वैल्यू का मतलब होता है जो चीज जितनी ज्यादा यूजफुल है, जितनी इंपॉर्टेंट है, उसका दाम उस एरिया में उतना ही ज्यादा रहेगा। अगर हिली एरियाज में आप जाओगे तो वहां पर क्या है कि रेत की थोड़ी कमी है, क्योंकि सी बीचेस जो हैं, जितने भी जो नदियां वदियां हैं वो वहां पर है नहीं बेसिकली, तो वहां पर रेत जो है काफी महंगे रहेंगे, लेकिन पानी तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा ना। वही ऑन द अदर हैंड अगर आप डेजर्ट्स में जाओगे तो डेजर्ट्स में आपके क्या होंगे कि रेत सस्ते रहेंगे लेकिन पानी आपका महंगा रहेगा। तो जो चीजें जहां पर जितनी यूजफुल है उतनी महंगी रहेगी, जो डेजर्ट है वहां पर पानी यूजफुल है तो वो महंगा, हिली एरियाज में रेत यूजफुल तो वो महंगे। ठीक है, तो ये होता है यूज वैल्यू। अब देखते हैं हम एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है। एक्सचेंज वैल्यू मतलब ये होता है कि सपोज सॉइल से, मिट्टी से कोई बना रहा है आइडल, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं, तो उसे बनाने में, गणेश जी की मूर्ति बनाने में सपोज लग रहे हैं 500 रुपए मिट्टी से बनाने में मूर्ति, फाइन। तो आप वो जो कॉस्ट है 500 रुपए, वही लेबर का भी कॉस्ट रखो कि उसे तराशने में उनको अगर 500 रुपए लग रहे हैं तो आप उन्हें सैलरी भी 500 रुपए दो और उस प्रोडक्ट का दाम भी 500 रुपए रखो ताकि वो उसे खरीद सकें एटलीस्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एक्सचेंज वैल्यू। या फिर अगर एक दिन बनाने में किसी प्रोडक्ट को लगता है और आप एक लेबर को दे रहे हो सपोज 100 रुपए, तो दूसरा सामान, चाहे वो कोई भी सामान हो अगर, लेकिन उसे बनाने में एक दिन लग रहा है तो दूसरे लेबर को भी आपको 100 रुपए ही देने चाहिए। तो इसे कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू का पार्ट और यूज वैल्यू का पार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो बेसिकली इसमें लेबर्स की भलाई को आप दिमाग में रखकर अगर आप इस उसको सोचोगे थ्योरी को, तो समझ में आएगी। और अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो थ्योरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जनरली सब लोग आजकल बिजनेस में, या फिर सब लोग क्या, आजकल की बात नहीं है, बहुत जमाने से अगर बिजनेस करना है तो प्रॉफिट तो सबसे मेन एजेंडा है उस चीज का, तो प्रॉफिट को इसमें मत देखो। और बाकी आप लोगों के हित के बारे में सोचोगे तो ये थ्योरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि यही बेसिकली थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है ये कहलाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। समझ में आए अगर लेसन तो प्लीज डू राइट डाउन इन द सो मच, कमेंट डू बॉक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, एक और बात है, अगर लेसन अच्छे लगते हैं देन डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको लेसन कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन थोड़ी ज्यादा मिले, राइट। और हाँ, #AskSakshi करके अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ताकि मैं वो वीडियोस एवरी संडे बनाती हूँ। आप मेरे वीडियोस बाकी के भी देख सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 47 to 50 वीडियोस अभी तक बना लिए हैं। सो सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।